अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अर्शद कुरैशी है और मैं सर्टिफाइड प्रोफेशनल कोच हूँ। वेलकम टू आवर द स्नूकर जिम पाकिस्तान। हम एक दफ़ा फिर ट्रेनिंग रूम में मौजूद हैं और आपको एक नए टॉपिक के ऊपर स्नूकर ट्रेनिंग में देने के लिए हाजिर हूँ। मैं द स्नूकर जिम पाकिस्तान का हेड कोच हूँ, उसके अलावा इस्लामाबाद बिलियर्ड्स स्नूकर फेडरेशन का भी हेड कोच हूँ। और मुझे यकीन है कि आप मेरी काफ़ी सारी वीडियोस देख रहे होंगे और बहुत सारे मुझे मैसेजेस भी आ रहे हैं मुख्य टॉपिक्स के ऊपर, तो वक्त के साथ साथ मैं काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर करता जाऊंगा। सारों को एकदम से कंप्लीट करना और जवाब देना, कुछ को मैं भेज रहा हूँ रिप्लाईज और कुछ को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि साथ साथ हम उनको मैं गाइड करता रहूँ। आज एक टॉपिक मैं लेकर आया हूँ जो कि आपके काम आएगा ब्रेक बिल्डिंग में। हमारे लड़के बेसिकली कोशिश करते हैं कि हम जल्दी से ब्रेक बिल्डर बन जाएं और हम जल्दी से क्लियरेंसेस मारनी शुरू कर दें। ये बड़ा मुश्किल काम होता है, ये देखने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन इसकी स्टेजेस हैं जिसको आपने करना होता है और आपने कलर टू कलर जो है इसको लेकर चलना होता है, जो कि आपको स्टेप वाइज आपकी गेम को इम्प्रूव करती है। तो मैं आपको आज मुख्तलिफ कलर्स के ऊपर मुख्तलिफ प्रैक्टिस रूटीन्स भी बताऊंगा और आहिस्ता आहिस्ता उनको कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, हम उसको ले लेके चलेंगे और आपको परफॉर्म भी करके साथ साथ दिखाता रहूँगा कि किस तरीके से कौन सी प्रैक्टिस रूटीन्स आपके लिए बेहतर हैं और कौन सी प्रैक्टिस रूटीन्स किस कलर के ऊपर क्या फ़ायदा देंगी, उसको भी हम डिस्कस करते रहेंगे। और जो प्रैक्टिस रूटीन्स मैं आपको बताऊँगा उन पर भी हम बात करते रहेंगे। तो आज जो 20-25 प्लस के प्लेयर्स हैं और उससे बल्कि थोड़ा बेहतर भी हैं, अगर वो बेहतर नहीं कर पा रहे तो उनको मैं प्रैक्टिस का एक तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से ब्लैक के ऊपर वो अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करें और उसके बाद वो इनिशियली फिर आहिस्ता आहिस्ता रेड्स ऐड करते जाएं और फिर अपनी गेम को इम्प्रूव करते जाएं। ब्लैक हर कलर की इंडिविजुअल प्रैक्टिस करनी चाहिए, सोलन आपको हर कलर की इंडिविजुअल प्रैक्टिस करनी चाहिए। मुख्तलिफ रूटीन्स में आपको दिखाता भी जाऊंगा, परफॉर्म भी करता जाऊंगा एंड आई एम श्योर आप उससे बहुत कुछ सीखेंगे। तो एक एक कलर को लेके हम चलेंगे और कुछ प्रैक्टिस रूटीन्स में आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। इस वीडियो के हो सकता है मैं 2 या 3 पार्ट्स भी बना दूँ, लेकिन ये कि लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट 1 और कोशिश करते हैं कि आपको एक्सप्लेन करने के लिए। लोग बहुत इंटरेस्टेड होते हैं कि ब्लैक के अराउंड लोग किस तरह कंट्रोल कर लेते हैं, अच्छे प्लेयर्स किस तरह वो 40, 50, 60, 70 के ब्रेक्स बना लेते हैं। तो उसका एक बड़ी एक सिंपल एक्सरसाइज मैं आपको भी बताने लगा हूँ, जिससे अगर आप स्टार्ट करेंगे तो आई एम श्योर कि आपको बड़ी जल्दी अपनी गेम में इम्प्रूवमेंट नजर आएगी। आपने कुछ नहीं करना, आपने सिंपल अपने ब्लैक बॉल स्पॉट पर रख लेना और मेरे साथ अली मौजूद है। अली अगर आप मुझे हेल्प करें इधर आके, और ये हमें जो है ना बॉल रिस्पॉट करते जाएंगे। अली आपने प्लीज़ मेरे बॉल्स रिस्पॉट करने हैं, कहीं पर भी बॉल रख लें, सीधा ना रखें और कोशिश करें कि थोड़ा सा उसको तकरीबन 3/4 बॉल पॉट के एंगल के ऊपर रखें या नीचे करके रखें बॉल के साथ या फिर ऊपर करके रखें वाइट बॉल को ब्लैक से। तो मैं थोड़ा सा प्रेफर दूंगा ऊपर, क्योंकि ये ज्यादा आपको मार्जिन दे देता है स्विंग करने का। इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कौन से पॉटिंग ब्लैक के ऊपर बेटर रहती है, कि कौन सी पोजीशन ऐसे हैं जो आपको ज्यादा ऑप्शंस देती है आगे पोजीशंस में जाने के लिए। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने सिंपल एक ब्लैक को अपने स्पॉट पे रखना है, व्हाइट को रखना है और साथ साथ उसकी कोशिश करना है दोबारा आपने ब्लैक को प्लेस करना है। सिंपल स्टन शॉट है, आप ले आए ऊपर, एक हो गई, अच्छा एंगल आ गया, स्ट्रेट अभी भी नहीं आया, हल्का सा फॉलो करूंगा मैं, दो हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई। कोशिश करें इनिशियली, अगर जो आप जूनियर प्लेयर हैं और आप अभी स्ट्रगल कर रहे हैं तो इसको 20 स्पॉट्स करें कंटिन्यूएशन में, ठीक है। और उसके बाद आप जो प्लेयर उससे बेहतर हैं वो तकरीबन कोशिश करें कि इसमें आप इसमें 50 पॉट्स कॉन्ट्रीब्यूशन में करके देंगे, ठीक है। अपने कंट्रोल को मेंटेन रखें, कोशिश करें आपका ब्लैक जो है वो आउट ऑफ पोजीशन ना हो। जहां पर आउट ऑफ पोजीशन हो जाए ब्लैक को दोबारा रिप्लेस कर लें, व्हाइट को दोबारा रिप्लेस कर लें और अपने काउंट को दोबारा से रिस्टार्ट कर दें 2-0, मतलब काउंटर को रीसेट कर दें अपनी प्रैक्टिस के लिए। और आप देखें कि मैं कितने सॉफ्टली अपने बॉल को कंट्रोल कर रहा हूं, कोई पावर शॉट नहीं लगा रहा। थोड़ा सा किक हुआ, आपने देखा बॉल भी जंप किया, लेकिन फिर भी मैं पोजीशन में हूं। कोशिश करते हैं इसको कंटिन्यूएशन में करें। तो ये एक बड़ी यूजफुल प्रैक्टिस है जो कि तमाम प्लेयर्स जो कि जब अपनी गेम इंप्रूव कर रहे होते हैं तो वो इसके ऊपर काम करते रहते हैं। तो आपने देखा होगा कि मैंने तकरीबन 10 से 12 पॉट्स कर लिए, मैंने कितने 10-12 तकरीबन पॉट्स हो गए हैं। तो इस प्रैक्टिस को मेंटेन रखें दोनों साइड्स के ऊपर। बाद में मैं इसी में मुश्किल चैलेंजेस भी आपको देता रहूंगा कि आप किस तरीके से अपने, और आप देखें कि मैंने कुशन कितनी दफा यूज किया है। मेरा ख्याल है फर्स्ट टर्न में यूज किया, उसके बाद मुझे जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि मैंने अपने वाइट बॉल को इतना कंट्रोल किया और इसको इतना मैंने रखा है अपने कंट्रोल में ताकि बॉल मेरा आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। जितना आप उसको पावर लगाएंगे वाइट बॉल में उतना ही मुश्किल हो जाएगा आपको अपने वाइट बॉल को कंट्रोल करना, उसकी स्पीड को कंट्रोल करना, उसकी जो आप पोजीशन डिजायर चाह रहे होते हैं मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ तो वो नहीं आती क्योंकि आपने जोर लगाया होता है। तो टेबल का रिस्पॉन्स, आपके कुशंस का रिस्पॉन्स, आपके बॉलों का जो है फोर्स पे फोर्स इफेक्ट करती है और आप अपने कंट्रोल में नहीं रहते। तो कोशिश करनी है आपने कि जब ये प्रैक्टिस करें तो कुशंस को कम से कम यूज करें, ठीक है, और अपनी ब्रेक को जो है वो कंटिन्यू करने की कोशिश करें जितनी ज्यादा आप कर सकें। तो ये देखें कि आप अभी मैं और भी चाहूँ इसको कंटिन्यू कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरा ख्याल है इस छोटे से टॉपिक को कवर करते हैं कि हमारी इनिशियल प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए ब्लैक के ऊपर कि हमारा ब्लैक बॉल जो है वो बेहतर से बेहतर होता जाए। ब्लैक एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसके ऊपर हम बहुत सारी बात करेंगे, बहुत सारी वीडियोस मैं डालूंगा। आपके जो सवालात हैं वो भी मैं एड्रेस करता रहूंगा वक्त के साथ साथ, और जो क्वेश्चंस आपके हवाले से आपके पास आते हैं और बहुत सी प्रैक्टिस रूटीन्स भी इंशाल्लाह परफॉर्म भी करके दिखाएंगे और उनकी टेक्निकलिटीज भी मैं आपको समझाऊंगा कि कौन सी प्रैक्टिस रूटीन्स किस तरीके से आप परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस रूटीन्स भरी पड़ी हैं आपके पास नेट पे बेशुमार नजर आती हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है उनको कि किस तरीके से हम बेहतर तरीके से ये लोग कितने आराम से प्रैक्टिस रूटीन कर रहे हैं, या अगर आपके पास किताब में पढ़ी है तो ये कैसे होगी। तो मैं वो सारी आपको आंसर करने की कोशिश करूंगा और वक्त के साथ साथ जो है इंशाल्लाह हम चीज़ों को बेहतर करते रहेंगे। मैं चाहूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल को मजीद शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि यहाँ पे उर्दू ज़ुबान में YouTube चैनल चल रहा है, पाकिस्तान में पहला है और किसी ने आज तक इतनी एफर्ट नहीं की। मैं ड्यूल सर्टिफाइड हूँ, स्नूकर प्रोफेशनल कोच हूँ और हमारे पास मास्टर फ्रेंचाइज है निक पैरो के द स्नूकर जिम की। तो जो लोग पर्सनलाइज ट्रेनिंग लेना चाहते हैं वो हमसे रब्ता कर लें। फेसबुक के नंबर्स भी आ रहे हैं आपके पास, मेरे फेसबुक पेज पे चले जाएं, मेरे इनबॉक्स आप यूट्यूब पे भी कर सकते हैं और टेलीफोन नंबर्स भी हैं, SMS या व्हाट्सएप भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है यहाँ पे आज इस टॉपिक पे हम क्लोज करते हैं, फिर नेक्स्ट डिस्कशन हम में भी पिंग के ऊपर मैं एक वीडियो नेक्स्ट लेके आऊंगा कि पिंग की बेसिक प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए। हम बेसिक प्रैक्टिस के ऊपर चलेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको एडवांस प्रैक्टिस लेवल्स पर लेते चलेंगे। इसको कैटेगराइज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ये कि हर एक प्रैक्टिस से कोई ना कोई प्लेयर कुछ ना कुछ हासिल कर रहा होगा जिसके ऊपर हम काम करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि आज हमारे लिए इतना काफ़ी है। तो टिल नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द किसी और टॉपिक के ऊपर, कुछ ब्रेक बिल्डिंग के हिसाब से मजीद कौन सी शॉट सिलेक्शन क्या होनी चाहिए उसके ऊपर। बहुत वास्ट गेम है जैसा कि आप समझते हैं, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करूंगा कि आपके लिए चीज़ें कवर करूं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस एंड कीप शेयरिंग अस। हमें शेयर करें, हमें लाइक करें, हमारे वीडियोज़ को शेयर करें। और ये एक और चीज़ मैं बताना चाहूँ कि हमारी जो फैसिलिटी है, ये जो रूम है, यहाँ पे लड़के और लड़कियाँ दोनों ट्रेनिंग हासिल करते हैं। तो जो लेडीज़ यहाँ पे ट्रेनिंग हासिल करना चाहें, स्नूकर में इंटरेस्टेड हों, स्नूकर की ओरिएंटेशन लेना चाहें, तो हर संडे को हम यहाँ पे गर्ल्स ऑनली ट्रेनिंग सेशन ओरिएंटेशन सेशन करते हैं और वो एट दी मोमेंट हमने फ्री ऑफ कॉस्ट रखा हुआ है ताकि लड़कियों में स्नूकर प्रमोट हो सके। तो मैं चाहूँगा कि आपके जितने भी कोलीग्स हैं, जितने भी दोस्त हैं, जो लड़कियाँ स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, वॉलीबॉल खेलती हैं, बैडमिंटन खेलती हैं, टेनिस खेलती हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट करें और ये बहुत इंटरेस्टिंग गेम है। आपको मुझे यकीन है कि आप इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर द टाइम जी। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।